हेलो टेकीज। तो आजकल वैसे भी TWS ईयरफोन्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग, क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इन्हीं हैमर के ईयरबड्स को। मैं बताऊंगा इनके सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस और सही में ये वर्थ इट है भी या नहीं। वैसे भी अभी राखी आ रही है, तो बहुत सारे भाइयों को उनकी बहनों को उनकी भाइयों को गिफ्ट्स तो देने ही है, तो मैं बताऊंगा कि ये एक वर्थ इट गिफ्ट है भी या नहीं, और बात करूंगा इसकी रियल प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि जो इस पे प्राइस लिखी हुई है वो है 19975, यानी कि 19,975 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसके रियल प्राइस से। तो बात करूंगा इसके रियल प्राइस के बारे में पर वीडियो के एंड में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऐसे कोई हैं जो बहन बनना चाहते हो और ऐसे गिफ्ट देते हो तो मना नहीं करूँगा मैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अनबॉक्सिंग की ओर। तो सामने से ये बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे ऊपर की ओर आपको हैमर के ओ लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे की ओर यहाँ पे मिल जाती है इसकी प्राइसिंग, जो कि मैंने एक बताया था आपको काफ़ी ज़्यादा है 19975। इसके पीछे की ओर यहाँ पे आपको एक QR कोड मिल जाता है और पीछे लिखा हुआ है 1 ईयर की वारंटी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं कुछ और इसके फीचर्स, और बस बॉक्स में बस इतना ही कुछ है, और ऊपर एक टांगने का स्टैंड मिल जाता है। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो इसका बॉक्स तो काफी अच्छे से खुलता है और काफी अच्छा डिजाइन भी है, और लेफ्ट में आपको एक इमेज मिल जाती है जिसमें हैमर की ईयरबड्स हाईलाइटेड है। सच बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ उनको ही देखा है। और यहाँ पे राइट साइड में आपको दो बॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है कार्डबोर्ड का बॉक्स, इसको रख देते हैं अभी साइड में, और उसके पीछे आपको मिलते हैं शायद से ईयरबड्स, जिसमें ऊपर की ओर लिखा हुआ है यहाँ पे हैमर, इसको भी अभी साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मिलती है हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड, जिसको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी हम तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, हम उसको फेंक देते हैं साइड में। और यहाँ पे दो QR कोड मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है 2 months ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी, तो आप इनको यूज कर सकते हैं 2 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी पाने के लिए। फिर देखते हैं कि इस ब्लैक कार्डबोर्ड के बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो इसके अंदर आपको मिलती है एक माइक्रो USB केबल, इसको निकाल के देख लेते हैं तो आपको साथ में 2 pair ऑफ ईयर टिप्स मिलते हैं, जो आ जाते हैं वेरिएबल साइज के साथ। इसमें आपको मिल जाती है S साइज और L साइज, M साइज आपकी ईयर टिप्स में ही लगी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। तो बस इतना ही कुछ था बॉक्स में। अब देख लेते हैं इस केस के अंदर आपको क्या मिलता है। ढंटन है, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ये चमचमाते ईयरबड्स, ये आ जाते हैं मैट ब्लैक फिनिश में, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासिक दिखते हैं। और पीछे की ओर यहाँ पे आपको हैमर मिल जाएगा, और ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक मैकेनिज्म के साथ आते हैं, जैसे ही इसके अंदर डालेंगे वो ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो केस तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सही है। अब देख लेते हैं कि ईयरबड्स कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको इन ईयर स्टाइल ईयरबड्स मिल जाते हैं, जिनमें आपको एक ऊपर लूप मिलेगा जो कि आपके कानों के ऊपर फिट हो जाएगा। और यहाँ पे पीछे की ओर देखेंगे तो हैमर की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे पीछे एक LED लाइट मिल जाती है, और बस इतना ही कुछ तब बॉक्स में। तो इसके पीछे भी मिलता है इसकी बैटरी कैपेसिटी, जो कि है 500 mAh की, और इसकी चार्जिंग स्पीड जो कि हो जाता है 5V 1 Ampere पे। और पीछे की ओर यहाँ पे मिल जाता है आपको इसका चार्जिंग पोर्ट। तो बस इतना ही कुछ था इस बॉक्स में। अब देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो फाइनली मैं इन ईयरफोन्स को लास्ट 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, जो कि आते हैं हैमर की तरफ से। इनका नाम है केओ बड्स। तो मैं बताता हूँ इनका फुल रिव्यू और बताता हूँ इनकी ऑडियो क्वालिटी मेरे को कैसी लगी। तो पहले बात कर लेते हैं इसके लुक एंड फील के बारे में। तो पहले बताता हूँ इसके केस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। इसके सामने यहाँ पर आपको हैमर लिखा हुआ मिल जाता है, और इसमें एक सेटिस्फाइंग सी आवाज़ आती है। तो ये एक क्लिप ऑन केस है जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जितनी अच्छी इसकी आवाज़ है उतनी ही सेंसर सिक्योरिटी भी आपको देता है। तो इसका केस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर बात करते हैं इसकी ईयरबड्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको इन ईयर स्टाइल मिलता है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एक एंटेना टाइप मिल जाएगा आपको, जो कि आपके कानों के ऊपर चल जाता है और आपको एक सिक्योर फिट देता है। और इन ईयर टाइप्स की मेरे को 2 अच्छी बातें लगती हैं, कि पहली तो ये अच्छी सील देती हैं आपको, और दूसरी कि इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है एक वर्चुअल टाइप का, कि इसमें आपको बैकग्राउंड नॉइस जो भी है ब्लॉक हो जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर बात करते हैं इन TWS की रेंज के बारे में। तो इनकी रेंज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी आपको, कि यहाँ पे मैं अपना फ़ोन छोड़ के गया था और मैं 3 रूम आगे गया था, तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन देखने को मिल गए थे हमें। और
चार रूम के बाद इसमें साउंड ऑलमोस्ट चला ही गया था। तो अगर आपको आसपास चलाना है, जैसे कि फ़ोन यहाँ पे छोड़ दिया, आप अगले वाले रूम में जाना है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। पर अगर आप ज़्यादा दूर जाते हैं तो इसकी ऑडियो क्वालिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। ऑल दो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 20 मीटर की रेंज मिलती है, पर मेरे टेस्ट यूज़ केस में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मीटर के आसपास ही मिली। तो फिर उसके बाद बात आ जाती है इसकी बैटरी लाइफ की। ये एक जगह है जहाँ पे ये बहुत अच्छे से एस करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है 500 mAh की बैटरी, जो कि इसके कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो आपके ईयरबड्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बार चार्ज कर देगा, क्योंकि जो एक ईयरबड है वो है 50 mAh का, जो कि टोटल बना देते हैं इनको 100 mAh के। और इनमें आपको जो ऑन टाइम मिलता है, जो मैंने यूज़ करा था, इसको फर्स्ट डे मैंने यूज़ करा था अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा था उस दिन मैंने। देन सेकेंड डे मैंने यूज़ करा 4 से 5 घंटे, और थर्ड डे भी सेम। ये मेरा फोर्थ डे है और इनमें अभी तक कुछ ना कुछ बैटरी बची है। तो इसमें आपको एक टोटल ओवरऑल जो बैटरी लाइफ मिलती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 घंटे की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आपका 3-4 दिन का ये काम आराम से निकाल देगी। फिर आजकल की सिचुएशन को देखते हुए लोग पहनते हैं अपने मास्क को और ईयरफोन्स भी लगाते हैं, तो इनकी फिटिंग उससे टेस्ट भी हो जाती है कि मैंने अपने मास्क पहने और उतार दिए तो ये मेरे चश्मे में फंस जाता है। चश्मे में ज़रूर से फंस जाता है, पर ये ईयरफोन्स को नहीं निकालता। फिर चाहे मैं अपना चेहरा यूँ यूँ हिलाऊँ या यूँ यूँ हिलाऊँ, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, ये ईयरफोन्स नहीं निकलने वाले हैं, ये मेरे को सिक्योरिटी है। फिर बात कर लेते हैं इन्हीं की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो इनमें आपको जेस्चर कंट्रोल्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैं एक सिंगल टैप करता हूँ तो सॉन्ग प्ले या पॉज हो जाता है, डबल टैप करता हूँ तो आपका सॉन्ग चेंज हो जाता है, और एक लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो हमारी गूगल आंटी बोल पड़ती हैं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम या जो भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको एक टच सेंसिटिव बटन मिलता है, इसमें आपको कोई फिजिकल बटन नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ बना देता है इसका। अब आते हैं इस ईयरफोन के नेगेटिव पॉइंट्स। जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लैक करता है वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी। जी हाँ, मेरे को पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। साउंड काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सा था और डेप्थ भी नहीं थी, बताऊँ तो पर्सनली वॉल्यूम भी कम था। तो मेरे को पर्सनली फर्स्ट डे जब मैंने सुने थे तो मेरे को लगा कि हो सकता है मैं ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनता हूँ इसलिए मेरे को लग रहा हो। पर मैंने अगले दिन अपने पेरेंट्स को सुनाया तो मेरे डैड भी यही कह रहे थे कि इसकी वॉल्यूम तो बढ़ा दे यार, पर उसकी वॉल्यूम ऑलरेडी फुल पे थी। तो तब मेरे को लगा कि इसकी वॉल्यूम सही में कम है। तो जनरली लोग तो लेते हैं इन्हीं दो चीज़ों के लिए, पहली होती है इनकी ऑडियो क्वालिटी, दूसरी होती है माइक क्वालिटी। तो माइक क्वालिटी भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप जो ऑडियो सुनेंगे वो मैं रिकॉर्ड करूँगा इन्हीं ईयरफोन से। हेलो, तो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज टेक जेनी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये आवाज आ रही है हैमर के ईयरबड से। तो मेरे को पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी में काफी ज्यादा एको देखने को मिला। आप बताइएगा जरूर से नीचे कमेंट्स में कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। पर मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल करा और मैंने 1-2 घंटे बात करी लोगों से, ऑब्वियसली बताऊंगा नहीं किससे करी, पर ठीक है। उन लोगों ने भी बोला कि इसमें एक एकोइश साउंड से देखने को मिलती है, जो कि बाहर के रिवर्बरेशन को भी ला देती है अंदर, तो एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी और माइक क्वालिटी दोनों ही नॉर्मल से मिलेंगे। नथिंग गुड इन दैट, नथिंग बैड इन दैट, एवरेज से हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमने सारी ही बातें करी, अब बात करते हैं इनकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका केस का साइज़। जी हाँ, इसका केस का साइज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा है। ये पर्सनली मैं एक माउस जितना बड़ा एक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसको। और पर ठीक है, ट्रेड ऑफ है कुछ कि इसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, इसी वजह से शायद साइज़ इसकी इतनी बड़ी है। जो सेकेंड नेगेटिव पॉइंट आता है वो है इसकी चार्जिंग केबल। जी हाँ, इसमें आपको एक माइक्रो यूएसबी देखने को मिलेगा। टाइप सी के ज़माने में इसमें आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि स्टिल अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बट अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन तक आपकी इसकी बैटरी चल जाएगी, कहीं पर नहीं जा रही है। तो आई गेस आपको इतनी चार्जिंग केबल इसकी कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी और माइक क्वालिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इसके ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं ही सही। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता देता हूँ कि इसमें आपको अच्छा फिट मिल जाता है, ओवर द ईयर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिक्योर सा फिट मिलता है, इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और केस भी ऐसे यूँ करके बंद होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सुनने में भी, और कितना भी सिर ला लो ये निकलते तो नहीं है। और मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 10 से 20 ईयरफोन्स ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। मेरे को जो ऑडियो क्वालिटी में लगे वो इनकी काफ़ी बेस से ऑडियो थी। इनका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, रिमेंबर एंड के बेस बॉक्स हैं ये। इनकी माइक क्वालिटी भी मीडियोकर सी थी, काफ़ी ज़्यादा एको देखने को मिलता था। फिर आ जाते हैं एमआई के बेसिक ईयरफोन्स, इनकी ऑडियो क्वालिटी भी बैलेंस्ड है और माइक क्वालिटी उसके तो मत ही पूछो। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को आज तक जो देखने को मिली है वो है इस 400 रुपये के ईयरफोन में। ऑल दो ये वायर्ड ईयरफोन्स है तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे, बट इनकी जो माइक क्वालिटी है उनको कोई बीट नहीं कर पाया है।
मेरे पर्सनल डे टू डे यूजेज में दिस स्टिल इज द अनबीटेबल चैंपियन इन द माइक क्वालिटी। तो अगर आप माइक के हिसाब से ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट MI Basics, और अगर आपको बेस काफी ज्यादा पसंद है तो आपके लिए रिमेम्बर एंड के बेस बॉक्स 360 काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर आपको चाहिए वर्कआउट के लिए जो कि काफी ज्यादा अच्छा फिट के साथ आते हो और TWS भी हो, तो आई गेस इससे अच्छा ऑप्शन मेरे को 3,500-4,000 के अंदर कोई ऐसा नहीं मिला था। बट आपको सिर्फ TWS ईयरफोन्स लेने हैं गाने सुनने के लिए ऐसी चीज़ों के लिए, तो आई गेस आपके लिए Realme Buds काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि वो आपके अच्छे प्राइस रेंज के अंदर भी बैठते हैं और उनका ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा है। पर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हिलना डुलना पसंद है, स्पोर्ट्स आपका जॉनर है, तो ये ईयरफोन्स आपके लिए बहुत सही रहेंगे। और अपने रिव्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल देना। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ईयरफोन्स का भी रिव्यू करूं या कोई ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना ताकि मैं ऐसी ही टेक वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। टिल देन गुड बाय, दिस इज टेक जर्नी साइनिंग ऑफ।